बहुत से लोगों को लगता है कि वीर्य नाश करने से कुछ नहीं होता, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर में बनता है तो हम इसको ऐसे ही बहा देते हैं। लेकिन आज ये वीडियो वीर्य नाश के नुकसानों पर ही है। ये वीडियो वीर्य पर रोमांचक खेल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और इन वजहों को जानकर और इन नुकसान को जानकर आप हैरान हो जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे और अपने गलतियों पर पछतावा होगा, अपने आप को कोसने लगोगे। और जो भी नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे वास्तविक नुकसान है। सारे नुकसान एक पुस्तक ब्रह्मचार्य है जीवन है, उस पुस्तक से लिए गए हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि ये नुकसान आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप कई दिनों से कंटिन्यूसली वीर्य नाश कर रहे हो, सालों से वीर्य नाश कर रहे हो, तो हो सकता है आगे चल के आपको इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और हस्त मैथुन से होने वाले नुकसानों के बारे में अगर मैं बताना चालू करूं आपको, तो एक पूरी किताब बन सकती है नुकसानों के ऊपर। अब बात करते हैं नुकसानों की। हस्त मैथुन से जो वीर्य नाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग पर बहुत ही बड़ा धक्का मिलता है, जिससे पद्घात, ग्रंथिवाद, संधिवाद और पागलपन जैसे रोग आपके अंदर आ सकते हैं। हस्त मैथुन के द्वारा वीर्य नाश करने से कलेजे में बहुत ही ज्यादा हानि होती है, जिससे खांसी, श्वास और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती है। अब सभी को पता ही है कि हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर किसी को होती है तो उसके क्या परिणाम देखे जा सकते हैं, और किसी भी क्षण उसको बीमारी पकड़ सकती है। हस्त मैथुन करने से दिमाग पर ऐसा धक्का लगता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हस्त मैथुन से सिर हल्का और खाली पड़ जाता है, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी खत्म हो जाती है। आखिर में ज्यादा वीर्य नाश करने वाला पागल सा बन जाता है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डेली एक एक दो दो तीन तीन बार वीर्य नाश करते हैं। अगल खाने में आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो ज्यादातर लोग जो हस्त मैथुन के आदि बन चुके हैं वही लोग पहुंचते हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बताया है, हस्त मैथुन के कारण ही लोगों के मस्तिष्क कमजोर होते हैं, आंखों की ज्योति और कान और दांतों की शक्ति कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने और पकने लगते हैं और बुढ़ापा बहुत ही जल्दी आ जाता है, और अच्छे खासे स्वस्थ पुरुष का बहुत ही जल्दी नाश हो जाता है। शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर ढीला हो जाता है, जान नहीं रहती शरीर में, और याददाश्त कमजोर हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। यही सारे नुकसान है। अभी तो और भी वीडियो बाकी है, वीडियो पूरा देखना। शरीर दुर्बल और रोगी बन जाता है और आपका मुंह कांतिहीन और पीला पड़ जाता है। ऐसे पुरुष जिंदा होते हुए भी मुर्दा होते हैं, क्योंकि वो इतना हस्त मैथुन कर लेते हैं कि उनकी सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और इस पुस्तक में साफ ये भी लिखा हुआ है कि आप अपनी संतान से भी हाथ धो बैठते हैं, और अपनी पत्नी को आनंद ना दे पाना सबसे बड़ा कारण हस्त मैथुन ही होता है। और हस्त मैथुन का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि इसकी आदत पड़ जाती है और छोड़ने से भी नहीं छूटती है। आपको नहीं पता है कि आप एक दिन इस गंदी आदत के गुलाम भी बन सकते हो। ये जैसा चाहेगा आपको नचाएगी, जैसा चाहेगा वैसा कराएगी, तो इसलिए इस आदत से दूर ही रहें तो बेहतर है। जो लोग हस्त मैथुन करते हैं उनको सर्दी और गर्मी लगने लगती है, जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है, और मौसम बदलते ही उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आने लगता है। थोड़ी सी सर्दी और थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं शरीर के अंदर। कोरोना नाम की बीमारी आई थी, आप सभी को पता है कि कोरोना किस किस को हुआ है। जिनकी बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर है उन्हीं लोगों को कोरोना की बीमारी लगी थी। आप लोग समझते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो पागल हैं, वो अपना वीर्य नहीं निकालते, तो इससे क्या फायदा है। ऋषि मुनियों की जिंदगी में कुछ नहीं है, वो पागल, वो बिना स्त्री के आनंद के कैसे रहते हैं। पर आज भारत देश के संतान देश का नाम नीचा कर रहे हैं, ये उल्टे सीधे काम करके वीर्य नाश करके इनकी बुद्धि और शरीर दोनों ही खत्म हो रहे हैं। आज बहुत सारे युवक हस्त मैथुन के गुलाम बन चुके हैं और बिना हस्त मैथुन के नहीं रह पाते हैं। जहां उन्हें जरा सा भी अकेलापन मिला और फौरन वो उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं और उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पछतावा भी होता है, वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़े तो छोड़े के। और इस वीडियो को और इन नुकसानों को सुनने के बाद और देखने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी शर्म है तो आज से ही वीर्य नाश करना बंद कर देना। हाँ, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत क्या थी, फिर आप डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, तरह तरह की दवाइयां खाओगे, लेकिन शायद आपको वो ताकत वापस बहुत ही मुश्किल मिल पाएगी जो आपके पास अभी। इसमें जितना आनंद है इतना ही नुकसान है, ये आप सभी को मालूम है। अगर आपको भी जवानी में रहकर
बुढ़ापे की आदत नहीं डालनी है तो आज से ही हस्तमैथुन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और ये जो नुकसान मैंने आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ही कम नुकसान बताए हैं। अगर मैं आपको सारे नुकसान बताने लग गया तो एक पुस्तक कंप्लीट छप जाएगी, और जिस चीज से आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है आप फिर भी उसी चीज के पीछे भाग रहे हो, छोड़ दो बिल्कुल पूरी तरह। आप खुद ही सोचो, अगर शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो हस्तमैथुन आप कैसे करोगे, ये आप नहीं सोच। और आप चाहते हैं कि 20 साल की उम्र में ही आपके बाल झड़ने लगे, आप बुढ़ापे की तरफ आ जाओ और शादी होने के बाद आपकी बीवी आपको छोड़ के चले जाए और आप अपनी बीवी को वो प्यार ना दे पाओ जिस चीज के लिए वो होती है और जो वो चाहती है। देखो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हस्तमैथुन करना और हस्तमैथुन की आदत लगना, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अगर आप इन दोनों में फर्क करोगे तो आपको पता चलेगा। एक चीज हो गई कि आपने हफ्ते में दो हफ्ते में खुद ब खुद वीर्यनाश हो गया, वो अलग बात है। चलो आप हम मान लेते हैं कि हफ्ते दो हफ्ते में आपने एक बार हस्तमैथुन कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली हस्तमैथुन करते हैं, डेली यानी एक दिन में तीन तीन चार चार बार आप हस्तमैथुन करते हैं, आपको इसके बिना नहीं रहा जाता, तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई होंगी और आज से आप वादा करेंगे कि अब ये गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। दोस्तों हमारी वेबसाइट भी आने वाली है www.ultrahub.in और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।